जैनब की जमानत के कागजात है। निकालो जैनब खान दुरानी वल्द हसन रजा दुरानी को ले आओ। सर तुम्हें कहा था ना एसपी कि तुम मुझे ज्यादा देर इस पुलिस स्टेशन में रोक नहीं पाओगे। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि नवाब साहब ने तुम्हारी जमानत करवा दी, वरना तुम जैसी औरत से बात करो एसपी, वरना भेजा उड़ा दूंगी तुम्हारा। खबरदार। गिरफ्तार करो इसे ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर गन से जानलेवा हमला करने के जुर्म में, और एहतियात से फिंगरप्रिंट्स बचाकर। और अब नवाब साहब, अब तो जमानत भी नहीं हो सकती। देखे ना, शाम हो चुकी है, अब तो रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। ले जाओ इसे। कहाँ जा रही हो? इस घर में सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से हो रही है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं खुद यहां से चली जाऊं। हो सकता है मेरे जाने से आपके घर की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं और खुशहाली वापस आ जाए। मैं इस घर के लोगों को मजीद तकलीफ में नहीं देख सकती। आंसू मत बहाओ, इन दिनों इस घर में आंसुओं की कोई कमी नहीं। तुम्हें यहां रहना है या नहीं रहना, अब यह तुम्हारी मर्जी पर नहीं, अब यह हमारी मर्जी पर है। अपने कमरे में जाओ, और जब तक हम ना कहें तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकती।
पता नहीं पप्पू जान इस घर को इसकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। बेटा जब सैलाब आता है तो कमजोर दरख्तों के साथ वो दरख्त भी गिर जाते हैं जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं। अब तो सैलाब के खात्मे के बाद ही पता चलेगा कि वो गिरता है कि नहीं। जब तक चांद था तो तब तक इस घर में सैलाब क्यों ना आया? कितनी खुशियां थी हमारे घर में। आज अपनी प्यारी पप्पो का ख्याल मैं करूंगा। और पता क्या, मैंने एक बात नोट की पप्पो, आपका जो हैंड बैग है बहुत हैवी हुआ है, थोड़ा जरा उसको हल्का करें ना, निकालें जरा 20,000 रुपया जल्दी से। हाय ला, इतने सारे पैसे तूने क्या करने? कमिटमेंट है यार, दोस्तों के साथ वी हैव टू हैव फन, पार्टी शार्टी जरा एंजॉय करना है। अरे मेरे पैसे तो दोस्तों पे बर्बाद करेगा। आपके पैसे पप्पो? उन पैसों पे आपकी तस्वीर बनी हुई है, वो पैसे सबके होते हैं, हाथ का मैल होता है, बांट देने चाहिए पैसे। अरे पर्स मेरे में से जाएंगे तो? एक किताब में एक बात पढ़ी थी मैंने, जरा गौर से सुनिएगा। कहा यह जाता है कि इंसान इस दुनिया में पर्स के बगैर आता है और पर्स के बगैर चला जाता है, इसलिए उस पर्स पे सबका हक होता है। और उसी किताब में मैंने पढ़ा है कि पैसों को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये उस किताब में? जी। अरमान यार, हमने तो उस किताब में ये नहीं पढ़ा, क्यों? मेरे ख्याल है हम उस चैप्टर तक पहुंचे नहीं है, और जब मैं उस चैप्टर तक पहुंचूंगा तो मैं उस पर अमल करूंगा। आप जल्दी से अपना पर्स मंगवाइए प्लीज। अच्छा बाबा, अच्छा जीने, जल्दी से पर्स लेके आ। जल्दी 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 जल्दी। आप कितनी अच्छी हैं यार, मेरी जान। I love you so much। अल्लाह अल्लाह, आई मुझे चक्कर आ जाएंगे। ला ला जल्दी लेके आ, ये ना यार, ये ले। ला भाई, खोले ना पप्पू, जल्दी करें, ये ले पकड़। अच्छा अच्छा, गिनने पप्पू। अरे ये सारे पैसे? सारे बस अभी हमारे हो गए, अभी पैसे मुझे गिनने तो दे, मैं तुझे गिन के दूं। तो क्या हो गया यार, हाँ क्या हो गया आपको? मेरी जान, मेरी प्यारी, अब ये पैसे गए। चल अरमान, आ जा यार, चले आ जा, आ जा, आ जा जान। जान के साथ साथ इस घर की हंसी भी चली गई। जी हाँ हाँ, भेज दें। जनाब फादर, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। जी जी जरूर। रियाज, यस सर, इनकी बेटी ले। प्लीज आप तशरीफ रखिए। हाँ तो क्या कह रहे थे भाई कि अगर हमला उस इलाके पे, अरे मेरे बच्चे, पापा, तेरा बाप आ गया बेटा, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुझे छुड़वाने के लिए मैं जमीन और आसमान एक कर दूंगा। मैंने तो जमानत करवा दी थी, अब आपकी बहू ने इतनी बड़ी गलती कर दी तो उसमें मेरा क्या कसूर? लेकिन उस एसपी ने बदतमीजी की थी उनके साथ। नवाब साहब, पुलिस स्टेशन में किसी पुलिस वाले का कोई गुनाह, कोई जुर्म आज तक ना साबित हो सका है और ना ही कोई कर पाएगा, और फिर जुर्म भी ऐसा कि पुलिस वाले पर पिस्तौल तान ली।
वो अगर चाहता तो आपकी बहू पर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस चार्ज कर सकता था और अदालत उसे 10 साल के लिए जेल भिजवा सकती थी। और फिर पिस्तौल पर फिंगरप्रिंट्स भी आपकी बहू के हैं। ये बताइए कुछ हो सकता? हाँ, अगर अल्ताफ हुसैन साहब इस केस को हैंडल करें तो कुछ हो सकता है। ठीक है वकील साहब, आप जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। अबू, तो फिर चलें अल्ताफ हुसैन के पास। हम वहां नहीं जा सकते। क्यों अबू? इसलिए कि आपकी वालदा का निकाह हमसे पहले अल्ताफ हुसैन से होने वाला था। फिर आपकी वालदा की जिद की वजह से उनकी शादी हमसे हुई है और इसी गम में अल्ताफ हुसैन ने अब तक शादी नहीं की। मगर अबू, कोशिश तो करनी है ना। ये तो है। या अल्लाह, अगर मैंने कोई भी नेकी की हो तो उसके अजर के सदके से सैनब भाभी को रिहा करा दे। ये देखो, पहले इसको दबा दो। माने एक मिनट, इसको दबाओ। मेरे अल्लाह, सैनब भाभी को जल्द से जल्द सलाखों से बाहर निकाल दे। आमीन। अच्छा, ये लो, अमन का ये है ये घर, इया इया यो, अमन का है ये घर, इया इया यो। अच्छा, ये लो, ओए होए होए होए, ये देखो। भाईजान, आप उस औरत के बच्चे के साथ खेल रहे हैं। क्या हो गया सोहा? ये इसका उसका क्या होता है? बच्चे तो सिर्फ बच्चे होते हैं। लेकिन भाईजान। लेकिन क्या सोहा? देखो, इस नफरत और दुश्मन जैसी चीजों से बच्चों को दूर ही रखो। हो सके तो तुम भी खेलो। इधर आओ, देखो कितना प्यारा बच्चा है। ये देखो सोहा, इधर आके। अच्छा चलो छोड़ो, ये देखो। क्या अमन कहाँ गया? ये देखो। अरे वाओ वाओ, मुझे पहले नेचो। ओ वो मुझे आपसे कुछ जरूरी है। जहे नसीब नवाब साहब, आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाए। क्या पीजिएगा, चाय, ठंडा, कॉफी? नहीं शुक्रिया। रही बात आपका केस हैंडल करने की, तो वो आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। वजह तो आप जानते ही हैं।
हम सब कुछ भूल चुके हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं भूला। आपके एक रिश्तेदार को तकलीफ हुई है तो आप मेरे घर तक आ चुके। अपने रिश्तेदार की एक रात की तकलीफ भी आप बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन मुझे देखिए, मैं आपकी वजह से 30 साल से तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूं। देखिए नवाब साहब, आपके इस केस की वजह से हो सकता है कि मेरा सामना मेरे माजी से हो जाए, जो कि मैं कभी नहीं चाहूंगा। इसलिए इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। आई नो यू मस्ट बी फीलिंग बैड, बट मैं क्या करूं, मैं हूं ही इस किस्म का। हाँ, ये कर सकता हूं कि मैं आपको कोई एक टॉप क्लास लॉयर रिकमेंड कर देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। Most famous and number one criminal lawyer of Pakistan, Altaf Hussain. शायद आपको याद आ गया। अगर आपके बाप दादा के पास इतने पैसे ना होते ना, तो आप भी सड़क किनारे आम बेच रहे होते। आपकी उम्र का लिहाज रख रहा हूं हसन साहब। अब घबराने की कोई बात नहीं, अब अल्ताफ हुसैन ही जैनब को रिहा करवाएगा। और आइंदा अगर आपकी जबान खुले तो आपके सामने अल्ताफ हुसैन जैसा वकील ना हो। ये जो बैजेस है ना आपके, ये सब उतारना तो 5 मिनट का काम है। मेरी बेटी को तलाक चाहिए, बस। कैसी बात कर रहे हैं आप हसन साहब? अरमान बेटा डीएनए रिपोर्ट लेकर आते ही होंगे। मैं रिपोर्ट्स ले आया हूँ चाचा जान। खामोश क्यों हैं आप? जैनब कब तक आ जाएगी घर? उनका रिहा होना अब इतना आसान नहीं। लेकिन क्यों? ये जो वकीलों पर इतना पैसा बहाया जा रहा है, वो कुछ नहीं करेंगे? इन वकीलों का काम नहीं है ये जमीला बेगम, सिर्फ एक शख्स है जो जैनब को रिहा करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी केस लड़ने से इनकार कर दिया। क्या मतलब? क्यों? जी हाँ, और ये शख्स वही हैं जिनकी माजी में आपसे मंगनी हुई थी, लेकिन शादी आपने हमसे की। द मोस्ट फेमस एंड नंबर वन क्रिमिनल लॉयर ऑफ पाकिस्तान, अल्ताफ हुसैन। शायद आपको याद आ गया, उनके अलावा किसी और के बस की बात नहीं है इस केस को हैंडल करना।
जी, जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसका माजी भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अबू, अब घबराने की कोई बात नहीं, अब अल्ताफ हुसैन ही जैनब को रिहा करवाएगा। क्या? लेकिन उन्होंने तो केस लेने से इनकार कर दिया था। आपको इनकार किया, लेकिन जरूरी तो नहीं कि सबको इनकार करे। मेरे ससुर साहब की खातिर कोई केस लड़ने को तैयार हो गया। अब दुनिया की कोई ताकत जैनब को रिहा होने से नहीं रोक सकती। सोचा था कि वो टूट कर चाहेंगे हमें, लेकिन सोचा भी हमने, चाहा भी हमने, और टूट भी हम ही गए। तुम टूट गए मोहब्बत में तो हमारा गुनाह, तुम हमें चाहते रहे यकतरफा तो हमारा कसूर। तुम कहती हो कि हमारी मोहब्बत यकतरफा है। जमीला, मोहब्बत तो यकतरफा ही होती है, दो तरफा तो मुआहदे होते हैं। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता बेवफाई पर ही खत्म हो, कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी खत्म किए जाते हैं। आइए आइए हसन साहब, आखिर आपको अल्ताफ साहब की जरूरत पड़ी गई। जाहिर सी बात है, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके बाप दादा के पास इतने पैसे ना होते ना, तो आप भी सड़क किनारे आम बेच रहे होते। आपकी उम्र का लिहाज रख रहा हूं हसन साहब, वरना इस वक्त उल्टा लटका कर इतना मारता ना कि आप हसन्स की स्पेलिंग भूल जाते। अपनी बेटी को छुड़वाने आए या अपने आप को गिरफ्तार करवाने? आज मैं अकेला नहीं आया हूं, पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील अल्ताफ हुसैन मेरे साथ हैं, जो तुम जैसे पुलिस अफसर को अपनी जेब में रखते हैं। कौन किसको कहां रखता है ये तो बाद में पता चल ही जाएगा। आप शायद अल्ताफ साहब को जानते नहीं हैं। इन जैसे वकील हम जैसे अमीर ही हायर करते हैं। अल्ताफ हो या मुख्तार, एसपी हुसैन को कोई दिलचस्पी नहीं। आप बस जमानत के कागजात दें और अपनी बेटी ले जाएं। ये रहे जमानत के कागजात, और इसमें डॉक्टर साहब का रिटर्न स्टेटमेंट भी है, जिसमें इन्होंने खुद बताया कि जैनब ने इन्हें इलाज के एवज पैसे दिए। और जो एडवांस पेमेंट की बात की जा रही है वो जाहिर है इसी का हिस्सा है। ठीक है अल्ताफ साहब, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो यकीनन ऐसा ही होगा। आप अपनी बेटी ले जा सकते हैं। नहीं,
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम बाइज्जत रिहा हो चुकी हो, सारे मसले खत्म हो चुके हैं, ठीक है? अब तुम्हारे सामने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फ्यूचर है और उस पर कॉन्सेंट्रेट करो और हसन साहब के साथ तुम जा सको। चलें हसन साहब। अल्ताफ साहब, झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया हुआ पेड़ ज्यादा दिन खड़ा नहीं रहता, एक ना एक दिन वो गिर ही जाता है। आप वकील हैं तो क्या हैं, आखिरत में आपको भी मुंह दिखाना होगा। और मैं दुआ करता हूं कि आपके साथ नाइंसाफी ना हो। हुसैन साहब, जबानी जंग में आप मुझसे बहुत जूनियर हैं, आइंदा ऐसी हरकत मत कीजिएगा और अल्लाह से दुआ करें। और आइंदा अगर आपकी जबान खुले तो आपके सामने अल्ताफ हुसैन जैसा वकील हो ना। ये जो बैजेस है ना आपके, ये सब उतारना तो 5 मिनट का काम है और इतना ही टाइम लगता है पुलिस की बिल्डिंग से सड़क पर। फर्क सिर्फ इतना है अल्ताफ साहब कि आप लोग जो है ना सिर्फ बोलते हैं, लेकिन पुलिस जबान भी चलाती है और डंडा भी। और ये हक हुकूमत ने हमें दिया है और हम किसी पर भी आजमा सकते हैं। चलिए अल्ताफ साहब। चलना कहाँ है अभी? पर नवाब साहब को फोन तो करके बता दें कि उनकी बेटी बाइज्जत बरी हो गई है, ना वो कुछ कर सके और ना ही उनके एसपी साहब। हाँ नवाब साहब, मैंने अपनी बेटी को बाइज्जत रिहा करवा लिया है, अब मैं उसे आपके घर लाना नहीं चाहता और ना ही वो आपके घर आने में इंटरेस्टेड है। और हाँ, अब वो मुराद में भी इंटरेस्टेड नहीं है। हसन साहब हमारी बात सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारे घर की बहू है, यही घर है उसका। है नहीं, था। आप हमारी बात सुनेंगे? सॉरी नवाब साहब, अब मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता, अब आपको जो कुछ कहना है मेरे घर आकर कहिए। चलिए अल्ताफ साहब आइए। अच्छा नहीं किया ये ज़ैनब ने। क्या किया है उसने? यही कि वो इस घर में रहना नहीं चाहती। ये क्या बात हुई? आप जाइए उनके पास, समझाइए ज़ैनब को। यही करना पड़ेगा। नहीं नवाब साहब, मैं इस मामले में अब कुछ नहीं कर सकता, मेरी बेटी आपके साथ नहीं जाएगी। ऐसा क्या हो गया हसन साहब? बेटियां शादी के बाद ससुराल में नहीं रहेंगी तो और कहां रहेंगी? छोटी छोटी बातों पर रिश्ते खत्म नहीं किए जाते। बहुत हो गया नवाब साहब, हमारी बेटी के साथ आपके घर में जो कुछ हुआ हम तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते।
मेरी बेटी को तलाक चाहिए बस। कैसी बात कर रहे हैं आप हसन साहब? बेटी के लिए तलाक का लफ्ज इस्तेमाल करना गुनाह समझते हो? आप इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरी बेटी को मुराद से तलाक चाहिए। नहीं पापा, मैं तलाक नहीं लूंगी, मैं इस घर में भी नहीं रहूंगी। ये क्या कह रही हो बेटी? मैं तुम्हें मजीद तकलीफ में नहीं देखना चाहता। पापा, शादी के बाद अब वही मेरा घर है, मैं तलाक भी नहीं लूंगी और इस घर में भी नहीं रहूंगी। अब मुझे मेरे अब्बू जी के साथ ही जाना है। जाना बेटा, अगला इलेक्शन आप लड़ेंगे, हम आपको मेंबर पार्लियामेंट देखना चाहते हैं। हमारी तरफ से खुली छूट होगी आपको, हमारी कुर्सी आपकी है। चले अब्बू जी, घर चले, मैं आपके साथ ही चलूंगी। मुझे यकीन था नवाब तुम्हें साथ लेकर ही आएगा। आ जाओ मेरा बेटा। खुशामदीद। जाहिर है आपा, हमारी बहू को अपने घर तो आना ही था। मैं तो आ गई हूँ अब्बू जी। डीएनए की रिपोर्ट कब आएगी? अरमान बेटा डीएनए रिपोर्ट लेकर आते ही होंगे। मैं रिपोर्ट्स ले आया हूं चाचा जान। जल्दी बताइए अरमान बेटा, इस डीएनए रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बच्चे का बाप